आजकल तो रंग साफ करने वाले इंजेक्शन आ गए हैं, लगवा क्यों नहीं लेती तुम? रंग साफ हो जाएगा तुम्हारा। अच्छा जरा एक बार चल के तो दिखाओ, देखे कहीं लंगड़ी मंगड़ी तो नहीं हो भाई, चाल ठीक है ना तुम्हारी? अरे सोच क्या रही हो, चलो चलो। हाँ 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 बस 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 आ जाओ बैठ जाओ। देखा आपने, ये आजकल की लड़कियों को ठीक से चलना तक नहीं आता, और ये इतनी पतली क्यों, खाना वाना नहीं खाती क्या ठीक से? मेरे बेटे को देखो एकदम फिट फाट है, जो मांगता है उसी वक्त देती हूँ बना के उसे मैं। अच्छा हाइट कितनी है तुम्हारी? 5'6"। 5'6"? भाई ये तो बहुत ज्यादा है, हमारे लड़के के साथ ना इतनी हाइट अच्छी नहीं लगेगी, हमें तो बस ये 5 या 5'1" बहुत थी। खैर छोड़ो, जरा हंस के दिखाओ, देखे दांत पूरे हैं नहीं है। अरे हंसो भाई, एक बार देखे तो सही, हंसती कैसे हो? हाँ दांत तो पूरे हैं पर हैं टेढ़े मेढ़े। इतनी पीली क्यों, खून की कमी है तुम्हारे अंदर? इसे ना अनार का जूस पिलाया करो, ठीक हो जाएगी एकदम। और ये नाक भी जरा टेढ़ी सी है, निशान कैसा है, बचपन में गिर गई थी क्या? पता नहीं। हाँ कमियां तो बहुत है पर ठीक है, अगर हमारा मनचाहा दहेज मिल गया ना तो हम ये रिश्ता अभी पक्का कर देंगे। दहेज? हाँ हाँ दहेज। बेटा देखो तुम्हारी बहन में इतनी कमियां है ना कि अगर मैं गिनाने बैठू ना तो सुबह से शाम हो जाएगी, और हमारा बेटा आप जानते ही हो सरकारी नौकरी वाला है, इसके लिए एक से एक अच्छे रिश्तों की लाइन लगी थी, वो तो हमारी अच्छाई समझो कि हम यहाँ आपकी बहन को देखने आ गए, और हम ये रिश्ता भी पक्का कर देंगे अगर आप लोग हमें दहेज दोगे तो। अच्छा वैसे कितना दहेज चाहिए आपको? कुछ ज्यादा नहीं, बस 15 लाख तक की कार और 10-1 लाख कैश, बस बहुत है हमारे लिए। बस? हाँ कम है क्या? मुझे तो लगा आप लोग कम से कम अच्छी कोई महंगी गाड़ी मांगोगे जो करोड़ों की आती होगी, और 1-2 करोड़ कैश मांगोगे। अरे नहीं 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 भाई, हमें तो जो मांगा है ना उतना मिल जाए, हम उतने में ही खुश हैं, हम सबर वाले लोग हैं। नहीं चाहिए? वैसे आपका बेटा इतना सुंदर है, देखो हाइट 6 फीट हाइट है, फिटनेस तो देखो यार, एब्स निकले हुए हैं, डिंपल भी पड़ते हैं, नाक तो देखो सलमान खान से भी सुंदर है, मोती जैसे दांत है, चलने का स्टाइल भी ना पक्का ऋतिक रोशन जैसा होगा। वैसे आपके लड़के में इतने हीरो की क्वालिटी है, इसको कहाँ आपने सरकारी नौकरी पे लगा दिया, मुंबई उंबई भेज देती हीरो बन जाता। एक लड़के में इतने सारे हीरो की क्वालिटी है, अब 10-15-20 लाख रुपए दहेज मांगकर आप कहाँ उसकी बेइज्जती कर रही हैं? बेइज्जती तो तुम ना हमारी और हमारे बेटे की कर रही हो। मैं बेइज्जती कर रही हूँ? अगर मैंने सच बोल दिया तो कहीं आप लोगों के कानों से खून तो नहीं आ जाएगा? मतलब? क्या मतलब? मतलब ये कि ये जो सरकारी नौकरी के घमंड में आप लोग घूम रहे हो ना, तभी आपको हमारी लड़की में इतनी कमियां नजर आ रही हैं। एक बार जरा ये सरकारी नौकरी का चश्मा हटाकर अपने बेटे को देखो। देखना क्या है? अरे रोज देखती हूँ, चांद सा बेटा है मेरा, क्या कमी है इसमें? चांद सा? चांद पे जो दाग होता है ना, वो दाग भी इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत होगा। चांद सा बेटा है। और क्या कह रही थी आप मेरी ननद को कि गोरे होने का इंजेक्शन लगवा ले? आपने क्यों नहीं लगवाए अपने बेटे के आज तक? अंधेरे में दिया लेके भी ढूंढने जाओगे ना तब भी नहीं मिलेगा ये। आई बड़ी, मेरी ननंद आपको पतली नजर आ रही है, इसका पेट देखा है, ऐसा लग रहा है 9 महीने का बच्चा है इसके पेट में, अभी डिलीवरी हो जाएगी। आपके बेटे की हाइट कम है तो हमारी लड़की की हाइट आपको ज्यादा लग रही है, एक बार खड़े होकर चल के दिखाना, तुम जरा तुम्हारी मोर जैसी चाल देखो, मैं चल के दिखाओ। देखो अब ये ना बहुत ज्यादा बेइज्जती हो रही है हमारी। अच्छा अब आपको ये बेइज्जती लग रही है, और तब से आप क्या कर रही थी मेरे ननंद के साथ, वो बेइज्जती नहीं थी? अपने बेटे की तो कमियां भी आपको खूबियां नजर आ रही हैं,
अगर अगली बार लड़की देखने जाओ ना अपने बेटे के लिए, तो ये सरकारी नौकरी का चश्मा हटा कर जाना, और दहेज मांगने के बहाने मत ढूंढना दूसरों की लड़कियों में कमियां निकाल के। और बेइज्जती करवानी है क्या यहाँ पे? चलती क्यों नहीं हो? चलो चलो। मुझे तो लगता था तुम सिर्फ मुझे ही लेक्चर दे सकती हो, लेकिन जो तुमने आज इनको लेक्चर दिया ना, और जो सबक सिखाया, मजा आ गया मुझे तो। तो क्या यार, तुम्हें दहेज चाहिए तो मुंह खोल के बोलो ना। क्या सरकारी नौकरी की आड़ में आके तुम दहेज मांग रहे हो? ऊपर से फिर हमारी लड़की में इतनी कमियां निकाल रहे हो। अरे कितनी प्यारी सी तो है, ऐसे कैसे बोल देगी वो? वैसे पूजा, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? अरे बिल्कुल नहीं, आपने बहुत सही किया। और अगर आप कुछ नहीं बोलते ना, मैं बस फटने वाली थी, बता रही। अरे नहीं नहीं, तुम मत फटना। फटने के लिए घर में एक ही होता है। वैसे पूरा ऋतिक रोशन था लड़का, करा ही देते पूजा की शादी, है ना? चलो ये सब हम ही खा लेते हैं इनको तो।